चाय बेचने वाली माता का बच्चा जो जज की पढ़ाई पास कर ली है। हम जितना अपने बालिकाओं से चाहते हैं, विशेष करके ये संदेश देना चाहती हूँ, अपनी बालिकाओं की पढ़ाई के संबंध में भी उतना ही ध्यान रखिए। जीआईसी राम आश्रम डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसी शिक्षिका से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो लगभग 37 सालों से बच्चों के साथ रह रही है, उनको पढ़ा रही है। साथियों, 37 साल पढ़ाई के कम नहीं होते हैं, बहुत लंबा कालखंड होता है। आज के टाइम में तो जॉब 35 से 40 में मिल रहा है, तो बहुत ही कम समय मिल रहा है कि जबकि आदमी ज़्यादा जॉब नहीं कर पा रहा है, बहुत ही कम समय उसको मिल रहा है। तो बहन जी है मेरे साथ जिनका नाम है श्रीमती बसंती सिंहवाल जी, और यह इस विद्यालय में जैसी राम आश्रम में गृह विज्ञान को पढ़ाने का काम करती हैं। तो बहन जी ने उस कालखंड में उस समय में शिक्षा ग्रहण की है कि जबकि लोग बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते थे, और आज हम इन्हीं के अनुभवों का लाभ लेने वाले हैं। इसी के साथ ही बता देते हैं कि 31 जनवरी 2023 को इसी माह को बहन जी लंबे सेवा काल के बाद रिटायर होने वाली हैं। सर, मैंने पहली क्लास जो है 1971 में शुरू की थी। बहन जी की जो पहली क्लास स्टार्टिंग वो थी 71 में, जबकि मैं खुद पैदा नहीं हुआ था उस समय जी। तो बहन जी ऐसा बताइए, आपने इंटर कहाँ से किया? इंटर मैंने जीजीआईसी कोटद्वार से किया सर। अच्छा, इन्होंने जीजीआईसी कोटद्वार से इंटरमीडिएट किया, और उसके बाद आप टीचिंग लाइन में कैसे आए, क्या करना पड़ा आपको इसके लिए? उसके बाद तब सर मैंने बीटीसी किया गोपेश्वर से, 2 साल का होता था उस समय, बीटीसी गोपेश्वर से किया। और उसके बाद जो आगे की शिक्षा हुई वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हुई है। शिक्षा के मामले में मैं सौभाग्यशाली रही हूँ कि उस समय जिस समय की लड़कियों को ज़्यादा शिक्षित नहीं किया जाता था, उस समय भी मेरे पिताजी ने हमारी शिक्षा पर ध्यान दिया और हमको इस लायक बनाया कि आज हम आपके सामने खड़े हैं। ससुराल से भी मैं सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे, क्योंकि मैंने जो जॉब करी वो शादी होने के बाद ही मैंने बीटीसी किया और उसके बाद ही मैंने जॉब शुरू की है। तो ससुराल में भी मेरे सास ससुर का, मेरे पति का मेरे साथ विशेष सहयोग रहा है, क्योंकि उस समय मेरी एक बालिका भी हो चुकी थी और उन्होंने मेरे बच्चों को देखा है। घर से पूरा मुझे सपोर्ट रहा, ससुराल से भी, उन्हीं की बदौलत जो है मैं आसानी से जो है सर्विस कर पाई हूँ, क्योंकि महिलाओं के लिए सर्विस करना, नौकरी करना थोड़ा कठिन होता है बजाय पुरुषों के, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनके पास जो है दोहरी जिम्मेदारी होती है, नौकरी में भी पूरी जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है और घर में जो है बच्चों की देखभाल, सास ससुर की देखभाल, घर से संबंधित कार्य, रिश्तेदारी सारे निभाने पड़ते हैं मायके के, ससुराल के। तो ससुराल पक्ष से मुझे बहुत सहयोग मिला है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जी सर, आपकी जो फर्स्ट सर्विस थी जी वो किस सन में लगी थी आपकी? सर मेरी जो पहली जो सर्विस थी वो मेरी जो है 10 सितंबर 1986 को अगस्तमुनि ब्लॉक का एक गांव है भीरी चंद्रापुरी के पास में, डमार गांव है, मेरा ससुराल भी उसी साइड है, वहां पर प्राथमिक विद्यालय में मेरी मैंने ज्वाइनिंग दी थी 10 सितंबर को। तो वो मेरी ज्वाइनिंग डेट है, मतलब 86 में मैडम ने शुरुआत की थी प्राथमिक विद्यालय से, बेसिक स्कूल से शिक्षिका के रूप में, और आज आप एलटी में अध्यापिका इंटर कॉलेज में। थोड़ा आप ये बताइए कि इतना लंबा अरसा बीत गया 37 सालों का जी, तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब क्या विधियां अपनानी चाहिए बच्चों को कि जिससे कि वो अपना करियर आगे बढ़ा सके, विशेषकर जो बालिकाएं हैं, क्योंकि आप गृह विज्ञान की शिक्षिका रही हैं। सर, बच्चों के साथ जो है पहले मैंने प्राइमरी स्कूल में लगभग 22 साल तक सर्विस की है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाने का मेथड अलग अलग हो सकता है, होता है। छोटे बच्चे हैं, जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं जैसे कक्षा 1 में आते हैं, तो उनके साथ तो बिल्कुल मातृत्व भाव से रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चा एकदम अपनी माँ की गोद से स्कूल में आता है। हम उसके साथ अगर बिल्कुल अपना उससे रहेंगे कि ये किसी दूसरे का बच्चा है, उसके लाड प्यार उसको उस तरीके का नहीं मिलेगा, उसके उसके उसमें ढलना पड़ता है, हमको भी गोद में भी बिठाना पड़ता है, हाथ हाथ से पकड़ के भी लिखाना पड़ता है, तो उस तरीके से होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी क्लास को पढ़ाने लगते हैं तो बड़ी क्लास को पढ़ाने का मेथड थोड़ा होता है। जैसा कि सर आपने पूछा कि बालिकाओं के लिए यही संदेश है कि बालिकाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है, उसी के बाद आगे शादी वगैरह के जीवन के बारे में सोचा जाना चाहिए, क्योंकि यदि बालिकाएं अपने पैरों पर खड़ी रहेंगी, शिक्षित होंगी, तो वह अपने परिवार को भी शिक्षित करेंगी। जरूरी नहीं है कि वह सरकारी सेवा में ही जाएं,
कोई भी अपना व्यवसाय कर सकती हैं, सरकारी सेवा में जा सकती हैं। पढ़ी लिखी माँ है तो पढ़ी लिखी माँ जो है अपने घर को, अपने बच्चों को, कहा भी जाता है कि अगर एक बालिका पढ़ती है, शिक्षित होती है, तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। शिक्षित माँ जो है अपने बच्चों में उसी प्रकार के संस्कार दे सकती है जिस प्रकार के देने चाहिए। भले कोई माँ अपने बच्चों में गलत संस्कार नहीं डालती है, लेकिन जानकारी के अभाव में न चाहते हुए भी कभी कभी जो है गलतियाँ हो जाती हैं, ताकि जिससे बच्चों में जो है अच्छे संस्कार नहीं पड़ पाते हैं। तो बालिकाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आज बालिका दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी माता पिता, और माता पिता को विशेष करके ये संदेश देना चाहती हूँ, अपनी बालिकाओं की पढ़ाई के संबंध में भी उतना ही ध्यान रखिए जितना हम अपने बालकों के लिए करते हैं, क्योंकि बालक भी शिक्षित होने जरूरी हैं, बालिकाएं भी शिक्षित होनी जरूरी हैं। उन्हीं से जो है हमारा समाज बनता है, और एक शिक्षित समाज भी एक सभ्य समाज हो सकता है। आपने जितनी भी सर्विस की है वो ग्रामीण इलाके में की है, पहाड़ी इलाके में की है, लेकिन यहाँ पर जो परिवार है जहाँ से हमारे पास बालिकाएं आती है, बालक आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी नहीं है जी। विशेष रूप से हमारी सरकारी विद्यालय में बहुत ही कमजोर परिवारों के, जो कि आर्थिक दृष्टि के पास पैसा नहीं है, तो ऐसे बच्चे यदि आगे पढ़ना चाहें, यदि उनका मन है, तो आपका क्या विचार है, कैसे मतलब अपने करियर को बना सकती हैं? पर हमारे जमाने से तो आज जो है सभी लोग जो है आर्थिक स्थिति के मामले में ठीक हैं। जो करना चाहते हैं आप देखते होंगे समाचार पत्रों में, मीडिया में और टेलीविज़न के माध्यम से हम देखते हैं कि रिक्शे वाले का बच्चा जो है इतने बड़े पद पर पहुंच गया है, चाय बेचने वाली माता का बच्चा जो है इतने, उसने जो है जज की पढ़ाई पास कर ली है। तो अगर करने वाले तो कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी यदि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपके पास फ़ोन भी नहीं होते हैं, खेती बाड़ी के और अन्य काम धंधे इतने होते हैं कि फुर्सत नहीं होती है देखने की, तो बच्चों को जो है समाज सेवी संस्थाओं के बारे में हम बता सकते हैं कि कहाँ से इनको किस तरह की शिक्षा मिल पाएगी, ट्यूशन मिल पाएगी, कोचिंग मिल पाएगी। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों को, और मदद करने के लिए, और हम गुरुजनों का भी अर्ज बनता है कि हम जो है बच्चों को इस तरह की बातें बताएं, क्योंकि टीचर्स को पता होता है कि कैसे करके ये बच्चा जो है ये किस क्षेत्र में जा सकता है, इसमें क्या काबिलियत है। भाई कोई बच्चा खेल में होता है, कोई पढ़ाई में होता है, कोई साइंस के सब्जेक्ट में होता है, कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट में होता है, तो हम बच्चों का ध्यान इस तरीके से हम उनको बता सकते हैं कि आप जो है इस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करके और जो है रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, या अपना हुनर दिखा सकते हैं, या अपने लिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। केवल सरकारी जॉब पाना ही कोई एक लक्ष्य नहीं होता है, प्राइवेट काम करके भी हम बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जिनसे हम जो है बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति जो है प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैं उसमें देख रही थी मोबाइल में कि पति पत्नी वो बीटेक शायद उन्होंने किया है, और चाय का ठेला और समोसे बेच रहे हैं। तो आजकल लोग ऐसा भी, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी जो है सरकारी जॉब को छोड़ करके या प्राइवेट जॉब को छोड़ करके अपने क्षेत्र में, ताकि पलायन न हो, और वो हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम ऐसा अपने बच्चों को भी बताएं, और ताकि हमारे बच्चे भी जो हैं जो बाहर नहीं जा सकते, जो नहीं कर सकते ये काम, वो ऐसे काम करके भी जो हैं अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। जैसे कि मैडम ने बताया किस प्रकार से बालिकाएं अपने करियर को बना सकती हैं, केवल सरकारी जॉब ही जॉब नहीं होता है जी, लेकिन हमें काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए जी। लेकिन जहां तक बालिकाओं की शिक्षा है, तो सभी बालिकाओं के लिए आज हम देखते हैं कि गांव-गांव में इंटर कॉलेज तो हर जगह उपलब्ध है, जगह जगह है, इवन इधर जो स्कूल इसी के बगल में डिग्री कॉलेज भी है, तो यहाँ पर बच्चों को लोग भेज सकते हैं, आसानी से पढ़ा सकते हैं लड़कियों को जी। लेकिन कुछ अभिभावक भी ऐसे भी हैं कि जो नहीं भेज पाते, नहीं भेज पाते। तो अच्छा बहन जी बताइए कि रिटायरमेंट के बाद अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा? सर रिटायरमेंट के बाद घर गृहस्थी भी देखनी है, मेरी वृद्ध सास जी हैं, माता जी हैं, उनके सानिध्य में रह करके आगे ईश्वर की जो प्रेरणा होगी वो कहा जाएगा। फिलहाल तो यही है कि अपना घर गृहस्थी का कार्य देखा जाए। इसके अलावा बहन जी मैंने सुना है कि बहुत पहले कुछ बालिकाएं इस विद्यालय में पढ़ती थी, आप उनकी आर्थिक मदद करती थी? सर थोड़ा बहुत जैसे फीस देना, कभी कोई कॉपी पेंसिल देना, इस तरीके के, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है, ईश्वर ने हमको इतना दिया है तो उसमें से थोड़ा बहुत अगर किसी बच्चे की मदद की जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि बालकों को तो लोग इस विद्यालय भेजते ही हैं, और फीस के कारण अगर कोई बालिका रुक जाए घर में तो वो हम अध्यापक समाज के लिए भी एक शर्म की बात है, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूलों में वैसे भी फीस जो है बहुत कम पड़ती है, अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं बच्चों को, खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, बुक्स मिलती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कहीं पर परेशानियां आती है तो वो हमारा फर्ज होता है।
इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। अंत में बहन जी, आप ये जानना चाहेंगे कि लोग या परिवार क्या करता है, संस्कार लड़कियों को ज्यादा देते हैं जी, मतलब ये ना करो ये करो, ये सारी बातें बालिकाओं को बताई जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा समाज में जितनी भी बुराइयां हो रही हैं वह किसी न किसी पुरुष के द्वारा की जा रही हैं, न कि महिला के द्वारा की जा रही है जी। तो इसके बारे में आप अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि बालक और बालिकाएं बड़े होकर के यही हमारे समाज के दो मुख्य अंग हैं, और दोनों को संस्कारित होना बहुत जरूरी है। हम जितना अपने बालिकाओं से चाहते हैं कि बालिकाएं अच्छी तरह से संस्कारित हों, तो ज़्यादा मत बोल, देर तक बाहर मत रहे, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, ज़्यादा उछलना कूदना नहीं है, ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा हंसना नहीं है, तो यही सब कुछ अगर हम अपने बालकों को भी सिखाएं। काम के मामले में भी बेटा दिन भर क्रिकेट खेल रहा है, दिन भर घूम फिर रहा है, बेटियों को कह रहे हैं कि जा तू, वो पढ़ भी रही है, जा तू बर्तन धो, जा तू घास काट, जा तू रोटी बना। मैं बहुत बालिकाओं से पूछती हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी है, तो घर की बातें भी सब्जेक्ट में आई जाती हैं कि सुबह क्या काम करके आते हो? कि जी रोटी बनाते हैं। जबकि आजकल होता ही कितना टाइम है, जबकि माता पिता को चाहिए कि सुबह जब तक बच्चे का स्कूल का टाइम नहीं हुआ, थोड़ी देर उसको पढ़ने के लिए एक दो घंटे सुबह भी बोला जाए तो बच्चा अच्छा पढ़ सकता है। लेकिन ज्यादातर अभिभावक ऐसा नहीं करते हैं, उनको जो है बालिकाओं को सब काम सिखाने हैं, लेकिन बेटे को कोई काम नहीं सिखाना है। मतलब बालक को रोटी बनाना नहीं आती है। वो इंटर में पढ़ रहा है, लेकिन सिक्स क्लास में बालिका पढ़ रही है, वो रोटी बना रही है और अन्य चीजें भी काम कर रही है, लेकिन बालक क्या है, एकदम से फ्री है। बालक और बालिकाएं भी सब काम कर सकती हैं। बेटे से पहले हम सिलेंडर मंगवा देंगे कि जाओ सिलेंडर ले आओ। सिलेंडर बालिकाएं भी लाती हैं, लेकिन हम बालिका को नहीं भेजते हैं, बालक को भेजते हैं। यहीं से जो है हम महिलाओं को या बालिकाओं को हीन भावना से ग्रसित होना वो शुरू हो जाती हैं कि सिलेंडर मैं नहीं उठा सकती, ये मेरा भाई उठा सकता है, या अन्य कोई काम जो भारी है वो मैं नहीं कर सकती, वो मेरा भाई कर सकता है, रोटी मेरा भाई नहीं बनाएगा, केवल मैं बनाऊंगी। अभी कुछ दिन एक दिन ऐसी बात क्लास में आई थी, तो एक सिक्स क्लास में बॉयज है, तो ऐसे खाना बनाने की बात आई। मैंने कहा देखो ये लड़कियां तो घर में काम भी करती हैं, तुम खाना बनाते हो? तो उसने बड़े उससे कहा कि हम क्यों बनाएंगे मैडम खाना, हम तो लड़के हैं। तो मैंने कहा लड़के क्या खाना नहीं खाते? उससे क्या होता है, एक तो लड़का ये सोचता है बाद में भी बड़े होकर के कि मुझे ये काम नहीं करने हैं, या ये काम क्या है, शर्म के हैं, अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे शर्म आएगी, या कोई मुझे देख लेगा बर्तन धोते हुए या खाना बनाते हुए या कपड़े धोते हुए तो मुझे शर्म आएगी, क्योंकि हमने बचपन से उसको कहा है कि तू लड़का है तुमने नहीं करना है, या लड़की है तो इसी का काम है। काम कोई लड़की का और लड़के का फिक्स नहीं है, वो माता पिता ने बच्चे के मन में बचपन से ही भाव डालने हैं। लड़की को हम बात बात पर कह देते हैं तुझे ससुराल जाना है, तुझे दूसरे के घर में जाना है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो हमारे घर में बहू आएगी उसने भी, वो भी दूसरे घर से आई है, जैसे हमारी बेटी को हमने सिखाया है वैसे ही उसके माँ बाप ने भी सिखाया होगा, हमने अपनी बेटी से कुछ नहीं कराया तो उसके माँ बाप ने भी कुछ नहीं कराया, हमें भी वो भी सहन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बेटे और बेटी को अगर हम दोनों को बराबर समझेंगे, हर काम दोनों से करवाएंगे, तो समाज में समानता आएगी, तभी जो है महिलाओं को कम समझा जाता है, जो वह दूर हो पाएगा। बसंती बहन जी ने हमें बहुत अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जीवन मंगलमय हो ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको कुछ अनुभव दे सकती हूँ, विद्यालय को कुछ अनुभव दे सकती हूँ, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये जो इंटरव्यू मेरा बहन जी के साथ रहा, ये हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगा, क्योंकि इसके बाद बहन जी तो यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन हमें तो यहीं रहना है, लेकिन जीवन के किसी न किसी मोड़ पे, और आज तो पूरा ऑनलाइन हो रखा है जी, इसलिए हर समय आदमी क्या है एक दूसरे के कांटेक्ट में है, लेकिन जो आमने सामने मिलते थे वो बात नहीं रहेगी, तो ये बातें हमारे जहन में हमेशा रहेंगी, और साथ ही हमने जो ऑनलाइन अभी रिकॉर्ड किया है ये हमेशा के लिए हमारे बीच रहेगा जी।